हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस एंड इसके पीडीएफ नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो, अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको चार यूनिट कवर करने होंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, जिसमें पहला यूनिट है आपका, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड एरोमेटिसिटी, एंड सेकेंड यूनिट है आपका कंफर्मेशन एनालिसिस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंड थर्ड यूनिट में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ यूनिट में आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। सो ये चार यूनिट हैं आपको, एंड इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में समझना होगा। सो डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे हर एक यूनिट में। सो नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको लोकेलाइज एंड डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, बॉन्डिंग इन फुलेरिंस, बॉन्ड वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड एंड एडिशन कंपाउंड, क्राउन इथर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिप्टेंस, इंक्लूजन कंपाउंड, साइक्लोडेक्स्ट्रीन, कैटेनेंस एंड रोटेक्सेंस। ठीक है, सो इतने टॉपिक आपको इस भाग में आपको कवर करने होंगे। इसके अलावा इसी यूनिट का जो सेकंड भाग है इसमें आपको एरोमेटिसिटी इन बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड, हकल एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, पीएमओ अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी एंड एन्यूलिंस। ठीक है, सो इतने टॉपिक आपको इस यूनिट के लिए पढ़ने होंगे, डिटेल में कवर करने होंगे। सेकेंड जो यूनिट है उसमें आपको कंफर्मेशन एनालिसिस में कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन, डिकेलाइन, इफेक्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, कंफर्मेशन ऑफ सुगर, स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू अनअवॉइडेबल क्राउडिंग। ठीक है, इसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, चिरैलिटी, मॉलिक्यूल ऑफ मोर देन वन कायरल सेंटर, मेथड ऑफ रिसोल्यूशंस, ऑप्टिकल प्यूरिटी, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस, असिमेट्रिक सिंथेसिस, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, बाइफिनाइल एलिन्स एंड स्पायरेंस, चिरैलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप्स। ओके, सो इतने टॉपिक आपको इस यूनिट में कवर करने हैं। इसके अलावा यूनिट थर्ड में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में जनरल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, सेंड में रिएक्शन नाइट्रीन्स। ठीक है, बेसिकली यहां तक ये एक पोर्शन है जिसमें आपको इन सभी टॉपिक्स का जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, ठीक है, पढ़ना है। इसके अलावा सेंड में रिएक्शन, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट एंड हंस डिकर रिएक्शन, इन ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करने हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका E2, E1 एंड E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, अटैकिंग बेस, द लिविंग ग्रुप एंड द मीडियम। ठीक है, इतना आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए पढ़ना है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, FMO एंड PMO अप्रोच, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें आपको कॉन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी मोशन, 4N+4N2 एंड एलाइल सिस्टम, साइक्लो एडिशन, एंट्रोफेसियल एंड सुप्राफेसियल एडिशन, 4N+4N सिस्टम, 2+2+ एडिशन ऑफ किटेन्स, 1-3 डाइपोल साइक्लो एडिशन एंड चिलियोट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट जिसमें आपका सुप्राफेसियल एंड एंट्राफेसियल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इन्वॉल्विंग कार्बन मोलेटाइज 3-3 एंड 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट, क्लेजन कोप एंड एजाकोप रिअरेंजमेंट, एन रिएक्शन क्या है। सो ये सभी टॉपिक्स आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़ने होंगे। ठीक है, सो हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम परसू रायपुर छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हर एक यूनिट से आपका 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस, 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हर एक यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो, अगर हम इसके पीडीएफ नोट्स की बात करें, सो, अगर आपको इसके हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट एडिटर नोट चाहिए जो आपको यूनिट वाइज मिलेगा, सो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट वाइज आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, इन चारों यूनिट का एक साथ चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट एडिटर नोट चाहिए तो उसके लिए भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां आपको
डायरेक्टली नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप जो है डायरेक्टली पे करके नोट्स ले सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दैट पीडीएफ स्टोर। अगर आपको हर एक कंप्लीट हैरिटर नोट्स है जिसमें बेसिकली हर एक टॉपिक को डिटेल से कवर किया गया है, स्पेशली एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से ये नोट्स बनाए गए हैं, सो आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। सो अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स ले सकते हैं, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज या कंप्लीट, एंड आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ लेने में कोई परेशानी हो रही है तो। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।